हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल केस फैशन डायरी में। आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी सलवार में आसानी से पॉकेट कैसे लगाते हैं। सबसे पहले मैंने सलवार को बना लिया है, आप देख सकते हैं मैंने इसकी बेल्ट भी जोड़ ली है। इसकी बेल्ट पे ही हमें यहाँ पे पॉकेट लगानी है। लेफ़्ट साइड से हमें 2.5 इंच पे निशान लगाना है। सलवार को अब हमें उल्टा करना है और जहाँ पे अभी हमने निशान लगाया है बिल्कुल यहीं पे हमें निशान लगाना है। निशान की लंबाई लगभग इतनी होनी चाहिए, उसमें आपका हाथ इजीली फिट आ जाए इस तरीके से। और इस पे अब हम एक सीधी पट्टी रखेंगे। पट्टी की चौड़ाई लगभग 2.5 इंच है। पहले हम पट्टी को सीधा रखेंगे और सलवार को इसके ऊपर इस निशान को अच्छे से मिलाएंगे। बिल्कुल सेंटर में हमें इसे मिलाना है और उल्टी तरफ से हमें निशान के दोनों तरफ इस तरीके से सिलाई लगानी है। दोनों सिलाइयों में 1 फुट का गैप रखिए जिससे आपको ये यहाँ से काटने में आसानी रहे। आप देख सकते हैं मैंने इस पर किस तरीके से सिलाई लगाई है। अब आपको एक्स्ट्रा कपड़ा काटना है क्योंकि हमें इसको बिल्कुल बारीक मोड़ना है। अब हमें इन सिलाइयों के बीच में भी काटना है जहाँ पे हमने निशान लगाया है। ध्यान रखना है किसी भी सिलाई पे हम कट ना लगाएं। अब इस कपड़े को हम उल्टी तरफ इस तरीके से अंदर डाल देंगे। अच्छे से इसको अंदर वाली साइड मोड़ते हुए हम किनारे पे सिलाई लगाएंगे। आप चाहें तो इस पे प्रेस भी कर सकते हैं। अब इसको दूसरी वाली साइड पलटेंगे और जो हमने ये कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ा हुआ है डबल फोल्ड करते हुए उस पर सिलाई लगा दीजिए। आप चाहें तो इस पर तुरपाई भी कर सकती हैं, ये आपकी चॉइस है। पॉकेट के लिए जो हमने ये होल बनाया है अब हम इसकी लेंथ नाप लेंगे। इसकी लेंथ अप्रोक्स 5.5 इंच है। अब मैंने ये एक्स्ट्रा कपड़ा ले लिया है जिसकी चौड़ाई 7.5 इंच है और इसकी लेंथ 20.5 इंच है। सबसे पहले इसका कोई भी एक किनारा हम इस तरीके से डबल फोल्ड करते हुए इस पर सिलाई लगा देंगे। जिस हिस्से को हमने मोड़ के सिलाई लगाई थी उसे हम इस तरीके से टर्न करेंगे। ये हमारी पॉकेट का मेन हिस्सा होगा। ऊपर हमने जहाँ पे अपने पॉकेट का होल नापा था 5.5 इंच निशान लगाते हुए वहाँ तक हम पॉकेट को बनाएंगे और अब दोनों तरफ से हम इसको क्लोज कर देंगे। पॉकेट को अब हम सीधा करेंगे। ऊपर वाले हिस्से के बिल्कुल सेंटर में हमें निशान लगाना है। सलवार के अंदर वाली साइड हम पॉकेट को अटैच करेंगे। आप देख सकते हैं मोड़ा हुआ हिस्सा मैंने अंदर वाली तरफ कर दिया है, या आप देख सकते हैं जहाँ से हमने डबल फोल्ड किया था। बेल्ट के जॉइंट पे बिल्कुल इसे अच्छे से मिलाएंगे और यहाँ पे इसको अटैच कर देंगे।
ध्यान रखना है मुड़ा हुआ हिस्सा हमें अंदर वाली तरफ ही रखना है। अब ऊपर वाले हिस्से को हम स्ट्रेट कर देंगे। ये पॉकेट हमारी इस तरीके से नीचे की तरफ आएगी। अब हम ऊपर वाले हिस्से के किनारों को मोड़ते हुए इस पर सिलाई लगाएंगे। आप चाहें तो इसको कोई भी शेप दे सकते हैं, ट्रायंगुलर या स्क्वायर में आप इसको बना सकते हैं। मैं इसको स्क्वायर शेप दे रही हूँ। हल्का नीचे तक इस पर सिलाई लगाएंगे और ये हमारी पॉकेट लग के तैयार हो गई है। आप इसको हुक या बटन से भी डेकोरेट कर सकते हैं और पॉकेट की लेंथ आपको जितनी चाहिए आप उतनी रख सकते हैं। पहनने के बाद ये कुछ इस तरीके से साइड में आएगी। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो या आपके लिए ये हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।